हेलो एवरीवन, वेलकम टू 11 सबसे शॉर्ट। 11 सबसे शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक टॉपिक जो है लैब असिस्टेंट कंप्यूटर फोरेंसिक्स, और उसमें एक और टॉपिक आपका हो सकता है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर से हिट कर लें जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि बात कर रहे हैं लैब असिस्टेंट कंप्यूटर फॉरेंसिक की, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक का मतलब पहले क्या होता है ये समझ लें। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेंगे, आपको आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कंप्यूटर फॉरेंसिक होता क्या है? तो कंप्यूटर फॉरेंसिक जो होता है वो साइबर क्राइम से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक होता है वो साइबर क्राइम से बचाने में मदद करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इन दिनों जो है साइबर क्राइम की घटनाएं जो हैं वो दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं, और अधिकांश लोग आप देख रहे होंगे किसी न किसी रूप में इसके चपेट में आ ही जाते हैं। आए दिन अखबारों में भी खबरें निकलती रहती हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, साइबर क्राइम की घटना कहीं हो गई, कहीं पे कुछ हो गया, और किस तरह से जो है पैसों को जो है लूटा जाता है साइबर क्राइम के ज़रिए, तो ये सारी चीज़ जो है इसके अंदर आती हैं। और जो कंप्यूटर फॉरेंसिक होते हैं वो साइबर क्राइम से बचाने में मदद करते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ और बातें कंप्यूटर फॉरेंसिक के बारे में। अगर हम बात करें डिजिटल फॉरेंसिक की, तो ये इसका एक पर्याय ही होता है कंप्यूटर फॉरेंसिक का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला डिजिटल अपराध कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला डिजिटल अपराध जो है वो फ्लोरिडा में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसकी कई सारी शाखाएं भी होती हैं। तो जैसे पहली शाखा जो आपकी होती है कंप्यूटर फॉरेंसिक होती है, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक में क्या होती है कि जो जानकारियाँ जुड़ी उससे जुड़ी हुई होती हैं या फिर कंप्यूटर में कोई जानकारी जमा हुई होती है, ठीक है, इसमें करते क्या है कि उसका विश्लेषण करते हैं और कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी अपराध हुआ हो तो उसको पता करते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर की चोरी होना या उसमें जानकारी की चोरी होना कंप्यूटर फॉरेंसिक में आता है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर की चोरी होना या उसमें जानकारी चोरी होना कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंतर्गत आता है। इसमें और भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे नेटवर्क फॉरेंसिक होता है, फॉरेंसिक डेटा विश्लेषण होता है, और मोबाइल यंत्र फॉरेंसिक होता है। तो ये चीज़ें हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक की, सिर्फ हमने बात की है कंप्यूटर फॉरेंसिक की। ठीक है, अब आपको अगर इस पोस्ट का इंटरव्यू देना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें जाननी होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ इसी के बारे में पूछेंगे कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या होता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछेंगे। हो सकता है कि आपने जिस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया हो, इंटरमीडिएट किया हो, वहाँ से भी आपसे कुछ पूछ लिया जाए, तो अपने ग्रेजुएशन को सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और मैंने जहाँ जहाँ साथ में ये भी बताया है आपको कि आपको करंट से भी पूरी तरह से जो है अवगत रहना है, यूपी स्पेशल, यूपी जीके, यूपी करंट, और वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आप इंडिया में क्या हो रहा है, स्टेट्स में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें टेक के आपको पता होनी चाहिए। और जो बेसिक्स नॉलेज है जो कि मैंने स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन में कराया है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, मतलब कि A to Z आपको सब चीज़ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अब आती है बात कि साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन होता है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टमों के लिए होता है। ठीक है, और साइबर सुरक्षा और अगर बात करें हम साइबर फोर्स, दोनों ही डेटा की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं ताकि कोई भी डेटा जो है कहीं से भी चोरी ना हो सके और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं वो सभी कुछ जो है सुरक्षित रह सकें। अब इसमें देखो कई तरह से प्रयास किए जाते हैं कि डेटा को सुरक्षित रखा जा सके, जैसे कि एप्लीकेशन सुरक्षा की जाती है, जानकारी जो होती है इंफॉर्मेशन उसकी सिक्योरिटी की जाती है, ठीक है, डेटा जो होता है उसका सुरक्षा किया जाता है, मोबाइल की सुरक्षा की जाती है, क्लाउड सुरक्षा किया जाता है। तो ये सारे तरह के प्रयास किए जाते हैं साइबर क्राइम को होने से रोकने के लिए। अच्छा देखिए, जैसे साइबर सुरक्षा होता है ना, तो उसमें पूछा जाता है कभी कभी कि टाइप्स ऑफ साइबर अटैक क्या होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, एक चैप्टर ही है पूरा इसके विषय में। ठीक है, आपके पास कोई भी कंप्यूटर की बेसिक बुक होगी तो आपको पता होगा इसके, वजह से रैनसम वेयर है, ठीक है, रैनसम वेयर, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा कि ये क्या होता है। रैनसम वेयर जो होता है ये एक तरह का वायरस होता है, ठीक है, जो कि अपराधी के द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टमों में हमला करने के लिए काम में आता है। ये कंप्यूटर में जो पड़ी फाइल्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर फिर अपराधी ने किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम का किसी भी तरीके से उसे ख़राब किया होता है या फिर उससे रिश्वत लेता है और उसके बाद वो सिस्टम को
छोड़ देता है, ठीक है ना। जैसे जो अपराधी होता है वो क्या करता है, कोई भी कंप्यूटर का इसमें यूज़ करता है और इस तरीके से जो है जिससे पैसा ऐंठने होते हैं, तो पैसा जो है वो ऐंठ लेता है और उसके बाद से उस सिस्टम को छोड़ देता है। उसके बाद से बात आती है नेक्स्ट की, सेकेंड होता है आपका जैसे मालवेयर, ठीक है। सेकेंड होता है इसमें आपका मालवेयर, तो ये जो है कंप्यूटर के किसी भी फाइल या फिर किसी भी प्रोग्राम को इसमें जो है नुकसान पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जैसे कंप्यूटर में वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन होते हैं, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आप बता सकते हैं यहाँ पे कि और क्या होता है, तो फिशिंग भी आपने सुना होगा, ठीक है, फिशिंग भी आपने सुना होगा। फिशिंग के थ्रू भी जो है ये की जाती है, तो ये एक तरह का फ्रॉड कहा जाता है, ठीक है। इसमें लोगों को फ्रॉड वाले ईमेल किए जाते हैं, जैसे बहुत सारे ईमेल होते हैं कि आपको 10 लाख की लॉटरी लग गई, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, और लोग जो है इस चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उस अमाउंट को लेने के चक्कर में जो है ये फिशिंग वाला फ्रॉड जो है वो हो जाता है लोगों के साथ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए साइबर सिक्योरिटी के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखिए साइबर सिक्योरिटी के फ़ायदे क्या क्या हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियाँ होती हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट होते हैं, फाइनेंशियल्स, कुछ डेटा होते हैं जो कि कंप्यूटर्स में रखे जाते हैं, वहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं ताकि उसका यूज़ बाद में किया जा सके या फिर फ्यूचर में उसका कोई यूज़ हो तो उसे वहाँ से देखा जा सके। तो कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो होती हैं जो लोग अपने सिस्टम में सेव करके रखते हैं, और ये जो डेटा होते हैं वो बहुत सारे लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, जो अगर चोरी हो जाए तो जिससे जो है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि वो उसकी जो होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उसमें उसकी, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट उसने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, तो इससे जो होती है हो सकता है कि उसका जो इंस्टीट्यूट है, उसका जो आपका कॉर्पोरेट है, कोई संस्था है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए साइबर सुरक्षा ज़रूरी है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर फॉरेंसिक आपको अभी समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ छोटा मोटा चीज़ पूछेंगे आपसे कि कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या होता है या फिर साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो आप इसको और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ज़रूर से। ये दोनों टॉपिक आप लोग ज़रूर से देख करके जाइएगा। सो गाइस वीडियो पे बने रहिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।